आप सबका बॉम्बीज ड्रीम्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो बेल बटन को भी दबाना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखो ये पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे बादल ने पूरा घेर दिया पहाड़ को। हमारे इधर से पहाड़ दिखता है दो, इधर एक है इधर एक है। हाँ बहुत सुंदर लगता है। देखो आप नहीं देखोगे तो पता चल रहे ना। ग्रीन ग्रीन, मम्मी बोल रही है इसको देख के लगेगा शिमला घूम के आ गई। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से मेरे चैनल टॉपिक ड्रीम्स में आपका सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, है ना। और आज एकदम सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, बारिश पूरी रात बारिश हुई, अभी थोड़ा सा धूप निकला और अभी मैं किचन में हूँ। देख के ही पता चल गया होगा अभी बना रही हूँ इडली। सुबह सुबह नाश्ता तो बनता ही है, तो एकदम दो दिन से रोटी पराठा चल रहा था तो थोड़ा सा चेंज नाश्ता करने का मन हुआ तो आज बना रही हूँ इडली, जो मैं इधर चढ़ा दिया, अभी बनाऊंगी चटनी। और उसके बाद काम तो नॉर्मल ही है, काम का कुछ अलग से कुछ है नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा थोड़ा दिन। लेकिन कपड़ा धोना है, इतना बाहर धूप है मतलब बारिश है ना, तो वही सोच रही हूँ पता नहीं धूप होगा कि नहीं, धूप हो चाहे ना हो कपड़ा मुझे धोना ही है, तो देखती हूँ कितना हो सकता है। तो चलो पूरा दिन का रूटीन आपके सामने लेके आ रही हूँ, कैसे लगेगा पक्का बताना। ओके फैन, चलो मेरे साथ, देखो मेरे साथ। और सिटी शुरू हो गया इडली का। काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे ये चटनी का रेसिपी देने के लिए बोला, तो इसीलिए मैं एक बार फिर से चटनी का रेसिपी दे रही हूँ। इसमें है हरी मिर्च का, 4-5 हरी मिर्च है, तीखा अपने हिसाब से। और इधर है मूंगफली जो मैं खाली कढ़ाई में रोस्ट कर लिया, बिल्कुल अच्छा से रोस्ट होना चाहिए एकदम। उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दिया। और चटनी का खासियत ये है, इसमें दो तीन तरह का दाल इसमें डाला जाता है, तो मूंगफली तो हो गया। और इधर मैं लिया टमाटर, एक ऑनियन, एक टमाटर और एक गार्लिक। चटनी के हिसाब से आप गार्लिक लेना, नहीं तो दो गार्लिक भी आप डाल सकते हो। इसमें है कुछ चना दाल फ्राई, बाजार में मिलता है चना दाल फ्राई, तो चना दाल ले लिया। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद मैं दूंगी थोड़ा सा उड़द दाल, उड़द दाल को थोड़ा सा तड़के में डाल दिया, थोड़ा सा अरहर दाल, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैं ये जो ऑनियन कट करके रखा इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। पहले ऑनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं टमाटर को ऐड करेंगे। फिर उसी के साथ मैं डालूंगी सूखी लाल मिर्च, फिर ये चना दाल जो मैं रखी थी इसको भी मैं डाल दूंगी एक साथ, फिर एक साथ फ्राई होगा। ऐसे फ्राई करना जैसे कच्चा का जो एक स्मेल रहता है वो निकल जाए, ज़्यादा फ्राई भी नहीं और कम भी नहीं, हल्का सा फ्राई कर लेना, क्योंकि एक रहता है ना पैकेज में रखो तो फ्राई चीज थोड़ा सा स्मेल हो ही जाता है, मतलब कैसा एक आता है खुशबू, अच्छा नहीं लगता। और टमाटर भी कच्चा रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई हो गया, अभी मैं गैस बंद करके थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे।
और ये ठंडा हो गया। मैं अभी पहले तो मैं मूंगफली को डाल लिया, हरी मिर्च मूंगफली डाल दी, और अभी मैं ये जो फ्राई कर लिया चना दाल ये सब, इसको भी एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे। और ये देखिए मैं अच्छे से पीस ली, एकदम मिक्सी में बारीक करके पीसना है, पूरा एकदम अच्छे से हो गया मेरा। अभी मैं तड़का डालेंगे, तड़के में थोड़ा सा ऑयल और इसमें जाएगा सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा मस्टर्ड, साबुत जीरा और कड़ी पत्ता। अभी मैं इसमें ये चटनी इसमें डाल लेंगे। अभी जो मैं मसाला इधर तड़का फ्राई किया, ये फ्राई हो गया, ये तड़का मैं इसमें डाल दूंगी। पूरा एकदम बनके तैयार, और एकदम बनके तैयार। अभी लास्ट में जो डालना है मुझे नींबू का रस, ये तो मतलब नहीं दोगे तो पूरा फीका हो जाएगा, इसी में टेस्ट ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कैसा लगा रेसिपी फिर एक बार देख के पक्का बताना, और एकदम बनके तैयार चटनी। आ जाओ अब लोग नाश्ता कर लो नाश्ता करने के लिए आ जाओ। और नाश्ता लेके बैठ गई, एकदम गरम गरम नाश्ता सुबह सुबह हो गया इडली, और चटनी खा के बताती हूँ। पहले भी मैं खाई हूँ, मुझे ये चटनी कोकोनट से भी ज़्यादा मुझे ये चटनी पसंद है, एक नंबर, एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी। और कड़ी पत्ता का इतना अच्छा खुशबू क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। और इडली तो खाई है, तो चलो मैं फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता हो गया, नाश्ता होने के बाद काम करना है, झाड़ू लगा दिया, सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद काम तो हो गए। कपड़ा धोने के लिए रखी हूँ, मशीन में कपड़ा डाली हूँ, बेसिक वगैरह सब उठाना था, वो सब करके अभी क्या बोलते हैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, आज मार्केट में थोड़ा सा काम है वो करके आऊंगी, पहले ये सब करके जाएंगे, क्योंकि आके नहा के जाओ फिर दोबारा आके चेंज करो वो मेरे साथ जमेगा नहीं, तो उससे पहले काम करके जाऊंगी, सामान लेके आके रख के फिर मैं नहाऊंगी। तो मैं सोची नहीं कपड़ा धो लेती हूँ, फटाफट कपड़ा धो लूँ, कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा, और बारिश का मौसम है, कब धूप कब छाँव कब बारिश पता ही नहीं चलता, तो इसीलिए मैं सोचा नहीं पहले मैं कपड़ा ही धोने डाल देती हूँ। तो बर्तन धोना, किचन क्लीन हो गया, अभी कपड़ा रखी हूँ, अभी ये सब पोछा लगाएंगे। चलो कर लेती हूँ फटाफट, फिर नहीं तो बाहर जाने में लेट हो जाएगा। और नहा लिया, बाहर जाके आ गई, थोड़ा सा काम था और थोड़ा सब्जी लाना था, सब्जी कुछ नहीं फ्रूट ख़त्म हो गया, तो फटाफट जाके मैं बोला बाहर जब आई तो थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेती हूँ, फ्रूट और ब्रेड, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, ये सब चीज़ तो एक हफ्ता जैसा होता नहीं, जाना पड़ता है लाना पड़ता है, तो कुछ किसी काम में निकल जाओ तो वो सब चीज़ भी हो जाता है। और अभी बनाऊंगी खाना, खाना देखती हूँ कौन लेके आई, कौन अच्छा लगता है मुझे इस सीज़न में बोल के नहीं, कभी भी ऐसे कौन का ऐसे जला के खाओ, चाहे सलाद बना के खाओ, कौन राइस सब, मुझे कौन पसंद है, तो अभी वो भी लेके आई मैं, ये सामान उधर रखा है। मैं बोला पहले बाहर से आने के बाद वही आदत ठीक ही है, नहा लो, तो आके नहा ली, नहा के पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा धो के उसके बाद अभी सब्जी देखूंगी, तो खाना भी बनाना है। चलो एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, तब ना लेके आई और दिखाया नहीं पाई, बहुत अच्छा चीज़ है। धान कलाई पीछे से इतना डिस्टर्ब करते ना, और वो चीज़ ये है धान का गाय बोलते हैं इसको, मतलब धान जब नया उगते हैं धान का काऊ, तब लेके आके इधर, मतलब तब लेके आते हैं कच्चे में,
फिर ऐसे करके हैंगिंग करके रखते हैं, कोई पूजा जगह पे रखते हैं, कोई मंदिर में रखते हैं। मैं तो किचन में रखी हूँ, घर से मैं ये लेके आई, तो यही आप लोगों को दिखाना चाहती थी, तब दिखा नहीं पाई, मतलब भूल गई मैं। और जब कच्चा लेते हैं, लेके आते हैं, तभी ये पूरा देखो ऐसे करके जैसे बालों का हम क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड बन के ब्रेड बनाते हैं ऐसे करके, कच्चे में ही बना देते हैं, तो फिर सूख जाता है तब, और खुलेगा भी नहीं और ऐसा ही रहेगा। और थोड़ा लंबा है बोल के मैं इधर फोल्ड कर दी, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैं लेके आई इस बार घर से। तो लक्ष्मी जी का है इसीलिए मैं किचन में रखना पसंद किया, ये मेरा मन हुआ जी मैं किचन में रखूँगी बोल के मैं ऐसे लगा दिया। और ये देखो इधर छत्ता, और इधर मैं सब्जी रख के चली गई, अभी मैं इसको फटाफट धोना होगा, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और बर्तन भी इधर है, बर्तन मैं अभी ये नहीं किया, मतलब सुबह धो के रखी थी, इधर ही रख दी। और बोली ना कौन लेके आई, तो ये देखो कौन, अभी इसको फटाफट छील लूँ, छीलने के बाद मैं क्या बोलते हैं बॉयल करने के लिए रख देंगे, और फिर सलाद बना लेंगे। और उधर बना चला दिया राइस, राइस बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज मैं हूँ ट्राइपॉड नहीं है, ये जिस दिन वो खड़ी रहती है ना पीछे से आवाज आ जाता और अभी डालूंगी मैं कॉर्न, इधर सब कुछ डाल दिया, कॉर्न ही बाकी था। एक साथ बॉयल करके रखी हूँ, दूसरा दिन ये यूज हो जाएगा, कुछ मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड में डाल के सैंडविच भी बना लेने से अच्छा लगेगा। और ये एकदम रेडी, अभी इसको मैं मिक्स कर लूँ। बारिश बाहर तो मतलब चला ही जा रहे हैं, दोपहर से ही शुरू हो गया फिर से बारिश। सुबह मैं बोली ना मार्केट करके आऊँ, नहीं तो शाम को फिर दोबारा बारिश शुरू हो जाएगा, सच में दोबारा बारिश हो गया। सुबह थोड़ा सा कम था, अभी फिर से वही शुरू बारिश। अभी बारिश के सीजन में बारिश ही होगा ज़्यादा, क्या करें, तो वैसे अभी हो रहे हैं कंटिन्यू बारिश ही होगा, कहीं जाना नहीं, वॉकिंग बंद हो गया मेरा अभी फ़िलहाल। कुछ दिन बारिश कम होगा उसके बाद फिर से दोबारा शुरू करूँगी, अभी तो शुरू करने जैसा हालत नहीं है। और ज़्यादा बारिश होने से ना मन भी नहीं लगता, किच 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 चारों तरफ, तो बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद मेरा रूटीन स्टार्ट होगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में ये पेंट करते हैं, अच्छा लगे तो एक दिल से लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे से रहना, हंसते रहना। ओके फ्रेंड्स, बाय।